हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए टॉप 15 एमसीक्यू वीडियो में, जहां आज अपन सॉल्व करने वाले हैं आपके टॉप 15 एमसीक्यू फॉर द चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन, एक दो बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 21 लाइक्स का, तो जैसे ही आप 21 लाइक्स इस वीडियो पे करवा दोगे, फटाफट से अगली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगली वीडियो कौन सी होने वाली है? वो होने वाली है फॉर द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो अब हमारा इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीरीज में बच गया है। जैसे ही आप इस वीडियो पे 21 लाइक्स करा दोगे, फटाफट से वो वाली वीडियो भी आपको मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यू वीडियोस जो आप लेके आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, हम फॉलो भी करें, हमारे मार्क्स भी बढ़िया रहे, बट हमको चाहिए इसकी पीडीएफ कब रिलीज होगी। तो आप लोग से मैं यही बोलूंगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट तक देखे करो मेरी वीडियो को। जैसे ही मैं अनाउंसमेंट लेके आया था तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जैसे ही सारी वीडियोस आ जाएंगी, लाइव हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद मैं आपको जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट पता नहीं आप लोगों ने शायद वो वीडियो पूरी देखी नहीं और आप कमेंट कर रहे हैं, बट कोई नहीं, एक बार मैंने फिर से आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया है। ये है हमारी सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद सिर्फ एक लास्ट वीडियो बची है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की, उसमें भी रहेगा कुछ आपका लाइक टारगेट। आप जैसे ही वो पूरा करवाओगे, ना कि सिर्फ आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि एक और सरप्राइज भी आपके लिए आने वाला है। क्लियर बात हो गई? तो इस वीडियो में फटाफट 21 लाइक्स करवा दो, वो वाली वीडियो आएगी, उसको जैसे ही आप टारगेट पूरा करवाओगे आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। देखो पीडीएफ मैंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाई है, तो मैं मुझसे ज्यादा कोई खुश होगा नहीं कि वो पीडीएफ आप लोगों के काम है। सिंपल सी बात है, मुझे सीएमए फाउंडेशन का पेपर देना नहीं है, तो वो पीडीएफ रख के भी मुझे कोई फायदा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उस पीडीएफ को सेल कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, बट तभी आएगी जब आप टारगेट भी पूरा करवा दोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन बनाना। आई होप कि आप सब एकदम दमदार तरीके से रेडी हो क्वेश्चन बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपन सीधा क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन है, डैश इज द टोटल मनी आउटले द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू मीट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू देयर बिजनेस। ठीक है, डैश इज द टोटल मनी आउटले, क्वेश्चन समझेंगे फिर आंसर करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे। सबसे पहले डैश इज द टोटल मनी आउटले, टोटल मनी आउटले, मनी आउटले का मतलब क्या? मनी का हमारी जेब से बाहर जाना, आउटले बाहर जाना, मनी का आउटफ्लो होना, ना कि इनफ्लो। तो मनी जब बाहर जा रहा है आउटफ्लो हो रहा है, यानी वो क्या है? खर्चा है। ठीक है, वो खर्चा कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर कर रहा है। अब एंटरप्रेन्योर खर्चा क्यों कर रहा है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर जो पैसा खर्चा कर रहा है, मनी आउटफ्लो जो हो रहा है, आउटले हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो देखें ऑप्शंस को, ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? इनकम भैया, हमारी कमाई है, यहाँ पे पैसा हमारे पास आता है ना कि बाहर जाता है। तो ये तो ऑप्शन एकदम एब्सोल्युटली गलत, इसको आप क्रॉस कर देंगे। जिन लोगों ने भी ये आंसर दिया ध्यान से सुनते जाओ। फिर सी पे आते हैं, सी क्या है हमारा? मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी जब हम एडवर्टाइजमेंट पे, प्रमोशन पे खर्चा कर रहे हैं हमारी गुड्स या सर्विसेज के लिए। तो ये क्या है? एक्सपेंस तो है, मनी आउटले है, हमारा खर्चा भी हो रहा है, बट हमको खर्चा किस फॉर्म में देखना है? ओनली इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा हो रहा है उसी के लिए हमको आंसर करना है। तो क्या जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उससे कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डेली वेजेस, डेली वेजेस किसको मिलते हैं? लेबर को मिलते हैं। क्या लेबर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? बिल्कुल है। तो ये एक आंसर हो सकता है, बट एक और हमारा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यानी खर्चा। किसका खर्चा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कॉस्ट। यानी कॉस्ट क्या है? टोटल मनी आउटले जो एंटरप्रेन्योर खर्चा कर रहे हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ डेली वेजेस में क्या होगा? सिर्फ लेबर कवर होगा, बट अगर हमको कैपिटल के लिए खरीदना है, ठीक है, या दूसरा है हमको लैंड वगैरह लेनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम कॉस्ट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉस्ट। यहां से आपको दिखा देता हूं, नोट्स में आपको जाना है, टेलीग्राम पे अगेन ये भी फ्री में आपको अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट लाइन रेड में मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, देखो एकदम कॉपी पेस्ट यहां से क्वेश्चन बन गया। कॉस्ट इज कैन बी डिफाइंड एज एन टोटल आउटले द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू मीट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन देयर बिजनेस। बस इसी में पहला वर्ड गायब करके आपसे यहाँ पे एमसीक्यू बन गया। यही ब्यूटी है हमारे नोट्स की, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं सब रेड में हाईलाइटेड है, कुछ अगर उसमें बच भी जाता है तो सारे वन लाइनर्स में आपके कवर हो जाएंगे। तो एक बार मेक श्योर करना कि आप चेकआउट कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया और अच्छा लगे तो आप उसको रेफर भी कर सकते हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी इज नोन एज, ऐसी अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट जो जा चुकी है या नेक्स्ट बेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? काफी इजी, ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी है। जब हम एक काम कर रहे हैं तो हम दूसरा नहीं कर सकते, वो जो दूसरा काम नहीं करने से हमको लॉस हो रहा है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर थ्री पे, मिस्टर ज्ञानी पेड 50,000 एज वेजेस टू द लेबर
एंड 2 लाख टुवर्ड्स लैंड एक्विजिशन फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, मिस्टर ज्ञानी, उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपए की लेबर को पेमेंट कर दी, उनको वेजेस दे दी और 2 लाख रुपए की उन्होंने लैंड कर ली। टोटल खर्चा कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय मिस्टर ज्ञानी। जो 2.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ है वो कौन से टाइप का कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलेंगे या ऑप्शन नंबर बी रियल कॉस्ट बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक कॉस्ट बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कौन बता पाएगा, जो बहुत अच्छे से तैयारी की होगी जाहिर सी बात है वही बच्चा बता पाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकाउंटिंग कॉस्ट। अब जिन लोगों को डाउट है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्यों है, तो नोट्स में आना है आपको, नीचे दिया है सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जितने टाइप की कॉस्ट होती है सब यहाँ पे लिखी है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लास्ट है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इसमें तो अकाउंटिंग कॉस्ट है ही नहीं, कहाँ है, यहाँ पे है, देखो ध्यान से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही दूसरा नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट, रेड से हाईलाइट है नोट्स में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। सर उसका एक्सप्लिसिट कैसे हो गया आंसर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखो, एक्चुअल पेमेंट्स मेड बाय अ फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मिस्टर ज्ञानी ने क्या किया, 50,000 रुपए की लेबर को उन्होंने पेमेंट करी, लेबर को क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है, जॉब के लिए लेबर को हायर करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, लैंड परचेज किया, तो ये देखो परचेज हो गया और हायर हो गया, लेबर और लैंड दोनों क्या है, बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। तो जब भी हम कभी बिजनेस के रिसोर्सेज को हायर करते हैं या उसको खरीदते हैं, उस पर जो खर्चा होता है, उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं, वो हमारी कैसी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट, जो आपके क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं देखे, उसके अंदर का एक पार्ट अकाउंटिंग कॉस्ट निकाल के यहाँ पे ऑप्शन में चिपका दिया। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोगों को लगेगा कि अकाउंटिंग कॉस्ट नाम की तो कोई कॉस्ट होती नहीं है, और आप लोग फिर तुक्का मारोगे, रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ भी टिक कर गया होगे। पर जो प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेगा, जो प्रॉपर तरीके से जिन्होंने स्टडी की होगी, जिन्होंने हमारे लेक्चर देखे होंगे, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। अपन बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। डैश इज द कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्स फॉर्मूला, बी रिलेशन फंक्शन, सी कॉस्ट फंक्शन और डी प्रोडक्शन फंक्शन। काफी सिंपल, बहुत लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप बताता है कि हम कितना आउटपुट बढ़ा रहे हैं और उसके पीछे कितनी खर्चा लग रहा है, कितना कॉस्ट उसके पीछे आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। रियल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या वो है जेएम कीन्स, क्या वो है अल्फ्रेड मार्शल, एसीपीयू या अमर्त्य सेन। ठीक है, तो बिटवीन द लाइंस का क्वेश्चन है, मजेदार है, देखना एक्साइटिंग होगा कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। लाइव चैट आपके लिए ओपन है, फटाफट आपको वहां पे कमेंट करते रहना जो भी आपका आंसर है, और करेक्ट आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो क्या है, क्या वो जेएम कीन्स है, अल्फ्रेड मार्शल है, एसीपीयू है या अमर्त्य सेन है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड मार्शल। कहां पे है ये, तो हमको जाना है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल। देखो बीच की लाइन है, बिटवीन द लाइन से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बन के आ रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन रीड करना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पेपर में। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी व्हाट विल यू गेट। अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यानी टीएफसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो हमको क्या मिलेगा। काफी सिंपल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत लोग इसका आंसर दे पाएंगे। क्या वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है या नन ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एवरेज फिक्स कॉस्ट। आई होप आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनमें से कौन सा कर्व एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। बहुत से लोग तो इसमें ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, नीचे वाले को एक्स बोलते हैं, ऊपर वाले को वाई बोलते हैं। तो जो इनमें कंफ्यूज है तो आंसर भी आप फिर तुक्का ही देने वाले हो, और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व और एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, इनमें से कौन सा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। नोट्स में आपको दिखा भी देता हूं, सबसे पहले जाएंगे नीचे 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 और नीचे, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आपका बना है, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व या फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये देखो पैरेलल है बिल्कुल एक्स एक्सिस के। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्राइवेट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू या पार्टली False। तो काफी इजी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट,
इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस हिडन गुडविल, कौन सा है इसमें से सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। मैं बताने वाला हूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नोट्स में हमको जाना पड़ेगा ऊपर जहां टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, वहां पे मैंने फॉर्मूला दे के रखा, ये देखो आपको इधर दिख जाएगा फॉर्मूला, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, काफी सिंपल। ठीक है, बढ़ेंगे वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज डिफाइंड एज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल। किस टाइम को, ठीक है, डैश इज नोन एज अ टाइम पीरियड जहां पे कुछ जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो वेरिएबल होने वाले हैं, कुछ फिक्स्ड होने वाले हैं। ठीक है, यानी हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें 10 चीजें लग रही हैं, तो 10 में से मान लो 5 फिक्स है, उसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ करने का मतलब उसकी क्वांटिटी ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, पर हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जिनकी क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं या मन आए तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, क्या वो ए लॉन्ग रन है, बी शॉर्ट रन, सी मीडियम रन या डी एवरेज रन है। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आप लोग ने दे दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन यानी छोटा पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे मान लो आपको 2 महीने में आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया कि आपको 10,000 एलसीडी टीवी बना के देनी है, वो भी 2 महीने में। ठीक है, अब 2 महीने में आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाहर से नई मशीन इंपोर्ट करवाओ, फिर लगाओ, फिर अपने लेबर को उसको सिखाओ कि कैसे यूज करते हैं ताकि आपका मशीन के कारण प्रोडक्शन बढ़ सके, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा मंगवा लोगे, लेबर को एक्स्ट्रा ले आओगे, ठीक है, ओवर टाइम उनसे काम करवा सकते हो, बट क्या आप नई मशीन ला सकते हो, नई जमीन ला सकते हो, ऑफिस नया बिल्ड कर सकते हो सिर्फ 2 महीने के टाइम फ्रेम में? इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी मशीन आपके पास है, ठीक है, जो भी लैंड आपके पास है, जो भी बिल्डिंग आपके पास है, शॉर्ट रन के टाइम में वो फिक्स्ड होने वाली है, उसको आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट आप लेबर जरूर बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप रॉ मटेरियल जरूर बढ़ा सकते हो। क्लियर हो गया? तो कुछ क्या है, फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल क्या है, कुछ इनपुट्स क्या है, वेरिएबल है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, वेरियस लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। जब हमारे पास लंबा समय, तो हम बाहर से मशीन इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, लेबर को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एएफसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, एनवलप कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व या नन ऑफ दीज। तो एएफसी कर्व को और क्या बोलते हैं, अगर आपको शेप भी एएफसी कर्व की याद है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नोट्स में भी आपको दिखा देता हूं, नोट्स में हमको जाना पड़ेगा नीचे, जाएंगे नीचे नीचे नीचे, ये रहा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एएफसी कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके शेप के कारण इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इनमें से कौन सा इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रीजन नहीं है, ध्यान रखना है हमको, क्या वो है, ए प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, क्या वो है टेक्निकल डिस इकोनॉमीज, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज या मार्केटिंग डिस इकोनॉमीज, इनमें से कौन सा इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रीजन नहीं है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13, द एनवलप कर्व इज ऑल्सो नोन एज डैश एंड इज डैश इन शेप। तो एनवलप कर्व को और क्या बोला जाता है और उसका शेप क्या है? तो पहला ऑप्शन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड यू शेप, दूसरा प्लानिंग कर्व एंड यू शेप, तीसरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एस शेप, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या वो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और यू शेप, प्लानिंग कर्व और यू शेप, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और एस शेप, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। एनवलप कर्व को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है और ये होता है यू शेप का। विश्वास नहीं होता, नोट्स में आपको दिखा देता हूं, बस थोड़ा सा हमको नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे, ये देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है, ये देखो ये रहा प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व भी इसको बोलते हैं, एलएसी कर्व इज यू इन शेप और एलएसी कर्व को बोला जाता है प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एनवलप कर्व को क्या बोलते हैं, तो एनवलप का नाम तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ही है और प्लानिंग कर्व भी इसको बोलते हैं, तो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज, द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज, पूछ रहे हैं भैया कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या बोलते हैं, एवरेज कर्व, इंडस्ट्री कर्व, ज्ञानी कर्व या ऑप्शन नंबर डी प्लांट कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लांट कर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्लांट कर्व। क्या ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आल्सो नोन एज
प्लांट कर्व ब्रैकेट में दिया है घुसा के, बट क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन के आ सकता है। तो इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि कुछ भी कहीं भी लिखा हो आपके मॉड्यूल में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, चाहे वो ब्रैकेट में क्यों ना, उससे भी क्वेश्चन फॉर्म होके आ सकते हैं। बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, दैट इज डैश इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन बाय अ फर्म बाय सेलिंग ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ थिंग। काफी सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल रेवेन्यू। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब भी फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती है तो उससे जो उसको रेवेन्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू तो भैया जितना टोटल उसने बेचा उसको बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करके आता है, एवरेज रेवेन्यू उसका फॉर्मूला है आपको पता होगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल रेवेन्यू। तो लाइकवाइज आज के जो हमारे टॉप 15 एमसीक्यूज हैं वो यहीं पे खत्म होते हैं। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाना, ठीक है, और फटाफट से लाइक टारगेट पूरा करवा देना, वीडियो शेयर कर देना ताकि जल्दी जल्दी हम एक और नई अगली वीडियो के साथ आए। और ठीक है तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।